ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि हम बता सकें कि ये इनब्रीडिंग हो रही है आपकी गायें या आपके बुल कहीं इनब्रीडिंग का नतीजा? सब आपकी गायों का डीएनए टेस्ट कराओ, बुल का डीएनए टेस्ट कराओ। पहले तो इंडिया में पॉसिबल डेटा नहीं था, अभी बहुत डेटा कलेक्शन। आप बुल कहाँ से लाए? वो मैं दूसरी जगह से लाया था। दूसरी जगह मतलब एक दूसरे लोग जो चरवाहे हैं जो अच्छी बुल रखते थे। अच्छा, तो उनके पास रिकॉर्ड रहते थे? नहीं, उसके पास रिकॉर्ड नहीं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि बड़ी बड़ी गौशालाएं अपने अपने यहाँ बछड़ों का क्या करती हैं, उनके यहाँ बछड़े नहीं दिखते हैं। सब वो सेल करते हैं। सेल करते हैं अच्छी ब्रीडिंग के, तो बछड़े सब बेशकीमती सब मार्केटिंग है। ऐसा बहुत हो रहा है देश में, हो रहा है ना। लेकिन फिर ये तो उसकी वजह से तो गिर बदनाम हुई, लोगों ने गलत बोल बोल के सभी को दिया पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन ये तो उसमें बहुत क्षणिक है ना। नहीं सर, वो ये उसमें गलती उनकी भी नहीं है, ले जाने वाले की भी गलती। आप एकदम राजस्थान के रण में से गाय को उठा के हिमाचल में ले जाओगे तो क्या होगा? सर्वाइव ही नहीं होगा। सर्वाइव ही नहीं होगा, उसको उसके एटमोसफेयर में ढलना होगा। वो किसी ने कोशिश नहीं की, इसलिए वो लोग सक्सेस नहीं होते, फिर बदनामी होती है। गाय बदनाम, अच्छी भी गाय है तो भी बदनामी। इंडिया को दूध की जरूरत है, अच्छी गाय ब्रीड की जरूरत नहीं है। इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी है दूध की, दूध की सेकंड प्रायोरिटी है ब्रीड की। आप पहले अच्छा दूध निकालो, अच्छा दूध दो तो कमर्शियल वायबल होगा, तो लोग गाय रखेंगे, बाकी कौन रखेगा? लेकिन अच्छा ब्रीड नहीं होगा तो दूध अच्छा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी हर एक बात को, छोटी छोटी बात को प्रैक्टिकली समझिए। किसी के पास गाय है तो उसके पास साथ में जाके 15 दिन रहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है, तभी कुछ हो सकता है, वरना आप नुकसान खाएंगे। भारत में वैसे भी रिकॉर्ड खराब है, 90% गौशालाएं बंद हो जाती है शुरू होते ही। इंडिया के अंदर कोई गाय खराब नहीं है। माटी इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अमर सिंह भाई से, राजमोती गिर गौशाला के ओनर से, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्रीडिंग की हम लोग बात करते हैं, पूरा देश ब्रीडिंग कर रहा है, हर व्यक्ति 2-4 साल में ब्रीडर बन जा रहा है और वो ब्रीडिंग की बात करता है, लेकिन एक्चुअल में ब्रीडिंग है क्या? भाई साहब, जो इंसान होते हैं, हम मानव हैं, हम लोग एक कुल में, एक परिवार में शादी, एक गोत्र में मैरिज नहीं होता। हाँ, एक गोत्र में मैरिज नहीं होता है। हाँ, ऐसे एक गाय में भी ऐसा है, एनिमल में भी ऐसा है कि एक गोत्र वाला नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों। तो या मेल एक गोत्र का है तो फीमेल दूसरे गोत्र के होनी चाहिए। अच्छा, तो लेकिन इंसानों में तो चलिए सब समझदार हैं, पता है कि भाई हमारा वंश यहाँ से नहीं है, हमारा ये नहीं है। लेकिन पशुओं में या हम गाय में कहें तो उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें तो सब जगह रिकॉर्ड मेंशन नहीं है, तो फिर ये कैसे बचते हैं इस चीज़ से? सब थोड़ा आपको मान लो कि आपने भावनगर से गाय खरीदी, तो आपको केयर करना पड़ेगा कि भावनगर साइड का बुल भी नहीं आपको आपके पास आना चाहिए। मान लो कि भावनगर से गाय खरीदी, तो आप कोशिश करो कि आप अहमदाबाद के ऊपर चले जाओ, कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ और वहाँ बुल है, तो उसकी हिस्ट्री थोड़ा जानो कि भाई ये भावनगर ब्लड लाइन का तो नहीं है ना, भावनगर साइड का तो नहीं है ना। अगर है तो उसको अवॉइड करो। अच्छा, अगर हो सके तो कोशिश करो कि 3-4 जनरेशन दूर का हो। अच्छा, तो 3-4 जनरेशन से वो मैनेज हो जाता है क्या? नहीं, ऐसे तो 6 जनरेशन के बाद लोग बताते हैं कि बुल चल सकता है। अच्छा, अपन कोशिश तो करें, जो नहीं है उसे तो बेटर है कि 4 जनरेशन दूर जाओ, 3 जनरेशन दूर जाओ, जो कोई आपके पास रास्ता नहीं है तो। अच्छा, तो ये इनब्रीडिंग है, अगर एक ही कुल में हो गया तो वो इनब्रीडिंग हो गई। हाँ, तो इनब्रीडिंग हो गया सर। अच्छा, तो क्या कोई और ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि हम बता सकें कि ये इनब्रीडिंग हो रही है आपकी गायें या आपके बुल कहीं इनब्रीडिंग का नतीजा? सब आपकी गायों का डीएनए टेस्ट कराओ, बुल का डीएनए टेस्ट कराओ। पहले तो इंडिया में पॉसिबल डेटा नहीं था, अभी बहुत डेटा कलेक्शन हो गया है, साबरमती में भी हो गया है, सभी जगह पे हुआ है, तो 80% तो क्लियर हो जाएगा कि एक ही ब्लड लाइन के ही अलग अलग है। मदर फादर का तो पता लग ही जाएगा। हाँ, लग जाएगा, वो तो डीएनए से पता चल जाएगा। गाय का डीएनए है, बुल के डीएनए से टेस्ट मैच होता है तो कि एक सेम ब्लड लाइन के हैं। अगर दोनों का डीएनए अलग अलग आता है तो 100% मान लो कि ब्लड लाइन अलग है। तो आप ये इन सब चीज़ों को राजमोती में इम्प्लीमेंट किया है आपने? सब मैंने थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से तो नहीं गया, लेकिन मेरे को तो भावनगर में प्रदीप भाई के वहाँ से लाया। शुरुआत आपने जो है भावनगर से? हाँ, नहीं, मैंने गायें खरीदी मार्केट में से खरीदी। अच्छा। जो एकदम बढ़िया से बढ़िया
स्वामीनारायण मंदिरों में से गाड़ियाँ खरीदी सबसे शुरुआत में। हाँ अच्छा, और बुल प्रदीप भाई का लेके आया, मतलब पहली बार जब आपने शुरू किया। हाँ। तो आपने ये किया। हाँ अच्छा, उसका दो दो जनरेशन मैंने लिया। हाँ। वो जो बाहर से गाय लाया था। हाँ। उसको प्रदीप भाई के बुल से दो दो बार प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद प्रदीप भाई का बुल मैंने वापस कर दिया। अच्छा, फिर कुछ गाय प्रदीप भाई के वहाँ से खुद से लेके आया, गाय उनके यहाँ से लाया अब नेक्स्ट टाइम। हाँ फिर बुल का क्या? तो मैंने बुल उसका यूज़ नहीं किया। अच्छा, उसका बुल यूज़ नहीं किया। और थर्ड टाइम जो गाय लाया था, तब आप बुल कहाँ से लाए? वो मैं दूसरी जगह से लाया था। दूसरी जगह मतलब? एक दूसरे लोग जो चरवाहे हैं। हाँ। जो अच्छी बुल रखते थे। अच्छा, तो उनके पास रिकॉर्ड रहते थे? नहीं, उसके पास रिकॉर्ड नहीं था। हाँ। तो आपने उनकी जनरेशन देखी होगी। हाँ, क्योंकि वो अलग था। हाँ। क्योंकि जो भावनगर लाइन है जो कलर थी, बाकी के जो गाय लाया था उसमें मैंने थोड़ा सिलेक्शन किया था, लेकिन जो चरवाहे का जो बुल था उसकी गाय दूध में भी बहुत बढ़िया थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत अच्छी थी, हाइट बॉडी अच्छा था, और 100% आप देख के बता सकते हो कि ये इस साइड का तो नहीं है। अच्छा, वो बेस पे मैंने वो दूसरा बार बुल खरीदा मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने थोड़ा उस टाइप से फिर दूसरी बार भी चेंज किया, ऐसे करके करके थोड़ा आगे बढ़ा। फिर मैंने देखा कि भाई ये बुल के है, फिर मैं प्रदीप भाई के वहाँ से मैं गोंडोलिया लाया, मयूर लाया, राजवीर लाया। तो फिर जो भावनगर की ब्लड लाइन नहीं थी उनमें वो यूज़ किया। अच्छा, वो यूज़ करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया तीनों दिन। अच्छा, तो क्या उसके बाद में फिर मैं आ गया ब्राज़ील वाले कंसेप्ट में। तो इसके सीमन से हम इसमें बचने की ज़्यादा संभावना होती है? सीमेंट में पता तो चल जाता है सब। अच्छा, वो नाम लिखा है, वो सीमेंट तो जो साबरमती बनाती है, गवर्नमेंट बनाता है। हाँ। तो उसके पास तो रिकॉर्ड रहता है। हाँ। वो थोड़ा आपको जानकारी मिल सकती है कि भाई ये कहाँ का है। हाँ। नेचुरल बुल में तो पता नहीं चलता सब। अच्छा, आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, तो क्या ब्राज़ील में ये बहुत सालों से रिकॉर्ड रखते हैं? हाँ सर, उनके पास पूरा 100% रिकॉर्ड है सर। चाहे गिर हो या कोई और नस्ल, कोई भी हो, वहाँ तो दुनिया के हर ब्रांड है सब, हर नस्ल है। तो उनकी अपने से अच्छे अच्छे गिर वहाँ हैं। तो उनकी सफलता का क्या राज है जो हमारी सफलता में नहीं है? सब उनकी सफलता का राज तो यही है कि वो लोग मोटिवेशन करते ही रहे, करते रहे। वो ये ब्रीडिंग पर्पज पे गए, ज़्यादा दूध देने वाली गाय चॉइस की, जो ज़्यादा दूध देती थी उस गाय का बछड़ा उसने पसंद किया, उनसे क्रॉस किया, उनकी बछड़ी आई, उसका रिकॉर्ड उसने चेक किया, ऐसे ऐसे करते करते जो ज़्यादा दूध देने वाली थी गाय थी उसकी नस्ल उसने डेवलप कर ली। फिर एकदम मॉडर्न साइंस से चले गए, DNA चेंज करना, बड़ी से बड़ी दूध देने वाली गाय का जो है जेनेटिकल वो उसमें डालना, सब भी जितना हुआ इतना हो गया। मेरे से अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि बड़ी बड़ी गौशालाएँ अपने अपने यहाँ बछड़ों का क्या करती हैं, उनके यहाँ बछड़े नहीं दिखते हैं? सब वो सेल करते हैं। सेल करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग के तो बछड़े सब बेशकीमती होते हैं। मार्केटिंग है। हाँ। किसी का भी नाम लगा के बेच दो। हाँ। कर रहे हैं लोग ऐसा। आप उत्तर गुजरात से आए हैं, आपको कौन सा पता है कि कौन सा गाय का बुल है, बछड़ा है, का गाय का बुल है या बुल का है, बछड़ा है? हाँ। आपने नाम सुना कि भाई ये एक्स बढ़िया है, बोला ये एक्स का ही है। ऐसा बहुत हो रहा है इसमें, हो रहा है ना सर। लेकिन फिर ये तो उसकी वजह से तो गिर बदनाम हुई। हाँ। लोगों ने गलत बोल के सभी को दिया पूरे इंडिया के अंदर। हाँ। तो लेकिन ये तो उसमें बहुत क्षणिक है ना ये। नहीं सर, वो ये उसमें गलती उनकी भी नहीं है। हाँ। ले जाने वाले की भी गलती है। हाँ। नहीं, ले जाने वाले की क्या गलती, ले जाने वाला क्या है, उसका आइडेंटिफाई, उसका कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है कि चेक कर रहे हैं। सब वो गाय ले गया, कोई भी नाम से गाय ले गया, लेकिन वो ले जाके वहाँ के माहौल में तो उसको डालना चाहिए सब। यहाँ से ले जाके आप एकदम राजस्थान के रण में से गाय को उठा के हिमाचल में ले जाओगे तो क्या होगा? सर्वाइव ही नहीं होगा। सर्वाइव ही नहीं होगा। उसको उसके एटमॉस्फेयर में ढलना होगा। वो किसी ने कोशिश नहीं की, इसलिए वो लोग सक्सेस नहीं होते, फिर बदनामी होती है। गाय बदनाम, अच्छी भी गाय है तो भी बदनामी। हाँ, लोगों ने गलत करके गाया दिए हैं वो तो है ही, वो तो मानते हैं, लेकिन जो ले जाने वाला की भी गलती है ना सर। हाँ, लेकिन गुजरात में एक परंपरा बड़ी ख़राब मैंने महसूस किया है कि अच्छे बड़े बड़े ब्रीडर भी जो है ट्रेडिंग पर ज़्यादा जोर रहता है। ये मेरे को सब इसीलिए तो सभी वो लोग बोलते हैं ब्रीड 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 करके अपना मार्केट चला रहे हैं। हाँ।
वो जरूरत ही नहीं है। इंडिया को दूध की जरूरत है, अच्छी गाय ब्रीड की जरूरत नहीं है। इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी है दूध की, सेकंड प्रायोरिटी है ब्रीड की। आप पहले अच्छा दूध निकालो, अच्छा दूध दो तो कमर्शियल वायबल होगा तो लोग गाय रखेंगे, बाकी कौन रखेगा। लेकिन अच्छा ब्रीड नहीं होगा तो दूध अच्छा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा सर। तो फिर वो दोनों चीज़ें मुमकिन कैसे हो पाएंगे, आम आदमी तक कैसे फिर वो होगा सब? हर एक को अपने को जो गाय रखनी है उसको भी एक ट्राई करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ओपन पॉलिसी कर देनी चाहिए। तो क्या मतलब जो गाय रखता नहीं है, जिसको गाय के बारे में नॉलेज नहीं है, वो ऑफिसर ब्राज़ील में जाके गिर का बुल का सीमेंट सिलेक्शन करके आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा सर? लेकिन एक चीज आप ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर चीटिंग होता है, दूसरी जगह पे नहीं होता है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। वो तो आप भी डिमांड करते हो वही वो सीमेंट दे देते हैं, बोला उसी का है, उसी का। तो आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है पिछले 2-2.5 साल में आफ्टर कोविड बहुत रेवोल्यूशन आया है देश में। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति गाय रखना चाहता है या गाय के करीब रहना चाहता है, लेकिन वो तब हार जाता है जब या तो उसे अच्छी गाय नहीं मिलती, या अच्छी मिलती है तो वो संभाल नहीं पाता, या दोनों चीज़ें करने के बाद वो अच्छी जनरेशन नहीं तैयार कर पाता है। तो सब उसके लिए तो वो ही जिम्मेदार है। तो लेकिन क्या देखिए, आपको पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, यूरोप में एक है, क्या आपको कोई बढ़िया कंपनी का ट्रैक्टर खरीदना है, 350 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है, तो आप पैसा दे रहे हो तो ट्रैक्टर आपको दे दिया ऐसा नहीं है। कंपलसरी आपको 3 महीना वहाँ जाना है, ट्रैक्टर को रिपेयर करना सीखना है, ट्रैक्टर को चलाना सीखना है, उसके बाद ट्रैक्टर की डिलीवरी आपको देंगे। ये बहुत आज मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस की बात कही आपने, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ। अच्छा। मेरे पास मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर की डिलीवरी थी, मैं मालिक था, फिर भी जेड फार्म के अंदर आज भी मैसी फर्ग्यूसन के अंदर है कि उसकी कंपनी का कोई मैकेनिकल है, कोई इंजीनियर है, मालिक है, कि कोई भी है, उसको कंपलसरी वहाँ 4 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसके बारे में वो जानेगा, फिर वो फील्ड में आएगा। अच्छा। हाँ तो ये आप लोग एक बात ज़रूर, ये बहुत काम की बातें आज हो रही हैं। आप अच्छी, अगर आप गौपालन में उतरना चाहते हैं या अच्छे फार्म, डेयरी फार्म, गौशाला खोलना चाहते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गाय का अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, अच्छी हर एक बात को, छोटी छोटी बात को प्रैक्टिकली समझिए। किसी के पास गाय है तो उसके पास साथ में जाके 15 दिन रही है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है, तभी कुछ हो सकता है, वरना आप नुकसान खाएंगे। भारत में वैसे भी रिकॉर्ड ख़राब है, 90% गौशालाएँ बंद हो जाती है शुरू होते ही। इंडिया के अंदर कोई गाय ख़राब नहीं है, साहिवाल भी अच्छा दूध देती है, थरपाकर भी दूध देती है, गिर भी दूध देती है, काकरेज भी दूध देती है, सभी अपने अपने एरिया के लिए वो बढ़िया है। लेकिन काकरेज के एरिया के अंदर वो लोगों को काकरेज का नॉलेज है तो वो अच्छी तरह से वहाँ डेवलप हुई। गुजरात के अंदर गिर डेवलप हुई, नॉर्थ साइड में साहिवाल और थरपाकर, सब जगह वातावरण वैसा है ना, जैसे राजस्थान में है तो थरपाकर 50 डिग्री में भी सर्वाइव करती है। हाँ, करती है, रूखा सूखा खा के भी अच्छा दूध देती है। अब यहाँ से आप बबूल का पेड़ खाती है। हाँ, बबूल का पेड़ खाती है, सोचिए। अब यहाँ से आप गिर ले जाके वहाँ उसको सोचेंगे कि वहाँ सर्वाइव नहीं होगा, वो टफ टास्क है बहुत। तो आप कोशिश करिए कि आपने क्षेत्रीय नस्ल हो, और अगर फिर भी आपको गिर का प्रेम है तो आप बहुत अच्छे से आप सोच समझ के ट्रेनिंग लेके प्रॉपर अच्छा बुल सिलेक्शन, अच्छी गायों का सिलेक्शन। एक बात और, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मार्टी इंडिया बनाता है, लेकिन मेरा हमेशा मकसद होता है कि लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, लोगों को अच्छी जानकारी मिले उन लोगों ने जिन्होंने करके दिखाया है। मैं हर लोगों को बोलता हूँ जी कि आपको गाय के बारे में जानना है तो मैंने कोई PhD की नहीं है, आप गौशाला के अंदर रहो और देखो ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करो, दूध निकालते तो टाइम पे देखो कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसके बारे में जानो, और कितने महीने तक, कितने दिन तक उसका देती अच्छा है वो देखो। ये बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन कमाल की बातें। लेकिन क्या अगर गाय सेलेक्ट कोई व्यक्ति कर रहा है सब कुछ तैयारी के बाद, उसको किस पे जाना चाहिए? पहले उसको प्रेग्नेंट गाय लेनी चाहिए या ड्राई गाय लेनी चाहिए या उसको हीफर लेनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है गौशाला, कोई व्यक्ति शुरुआत कर रहा है तो उसको सेकंड या थर्ड टाइम की प्रेग्नेंट गाय लेनी चाहिए। अच्छा। 4 या 5 महीना प्रेग्नेंट लेनी चाहिए, जिसकी वजह से वो वहाँ ले जावे तो 3-4 महीना उसके वहाँ एटमोसफेयर में सेट हो जावे। अच्छा,
मिल्किंग वाली गाय नहीं ले जानी चाहिए। अच्छा, मिल्किंग वाली डिप हो सकती है। हाँ, मैं आपके वहाँ से लाऊँ तो मेरे वहाँ भी दिक्कत रहेगी। सही बात है। तो हीपर्स पे जाके अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई अच्छा बछड़ी, ये सब हीपर है, हीपर में उसका थोड़ा क्या है कि उसका केयर ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, उसको आपको सेट करना पड़ता है, उसको आपसे ढालना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और जो फर्स्ट टाइम बच्चा देती है वो थोड़ा अग्रेसिव भी रहती है। हाँ, उस पहली बार आप भी पहली बार गाय रख रहे हो और हीपर भी ले जा रहे हो, तो दोनों का आमना सामना हो जाएगा वहाँ पर। बहुत फर्स्ट टाइम में आपने उसको गलत हैबिट पार दी तो लास्ट तक वही गलत हैबिट रहेगी गाय में भी। वो एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो दोस्तों मार्टी इंडिया ने ये मतलब छोटी छोटी बातें बहुत लेकिन बहुत ज़रूरी बातें उन पर बात करने की कोशिश की है और आपको जागरूक करने की कोशिश की है। और हमेशा लेकिन आप गाय अगर व्यक्ति कोई ले तो कहाँ से ले, जैसे किसान से ले या अच्छे ब्रीडिंग संस्था से ले या जो वर्षों से काम कर रहे हैं संस्थाएं उनसे ले, क्या फोकस करना चाहिए? सब जिसको गाय चाहिए उसको तो पहले जाके गाय के बारे में समझना चाहिए जी, तीन चार जगह पे जाके देखना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे को कौन सी ठीक लग रही है। आप गाय के पास जाओगे, गाय पे हाथ घुमाओगे, आपको कौन सी अच्छी लग रही है, आपको जो अच्छी लग रही है वो गाय आपको मिलेगी तो आपको ज़्यादा उसके साथ अटैच रहेगा। आपको पसंद ही नहीं है और गाय आपके पास आ गई तो आप उससे दूर भागोगे। तो पहले तो आप ही खुद चॉइस करो, मीडिएटर मत रखो, मीडिएटर मत रखो। तो अमर सिंह भाई साहब ने आज भी बहुत समय दिया एक नए एपिसोड पर, नई चर्चा पर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। जय गो माता।